Hello everybody, how are you all? हेलो। हाँ, आप कैसी आवाज आ रही है आप बताइए। नाउ इट इज ओके, कंटिन्यू करें फिर क्लास को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। आई थिंक नाउ साउंड इज प्रॉपर। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। He told his friends he told his friend take it friend he told his friend that he could not do that he could not do that he could not do that work because it is not possible it is not possible No, A, B, C, D. वेरी गुड। कैसे आंसर आया सी बताइए फटाफट। ठीक, बिल्कुल सही, करेक्ट। सेंटेंस पास्ट टेंस पर बेस्ड है, इसी वजह से आंसर जो है वो पास्ट टेंस हो गया। सेंटेंस की शुरुआत में ही लिखा है इट टोल्ड दैट, है ना। तो अब उसने क्योंकि कहा है अपने दोस्त से, और अभी प्रेजेंट में तो कहा नहीं है बल्कि उसने पास्ट टेंस में कहा है, तो ये टोल्ड पास्ट टेंस है। टोल्ड से पास्ट टेंस से तो अचानक यहां प्रेजेंट कैसे हो गया। इट इज की जगह पर यहां पे होगा इट वाज, क्या हो जाएगा इट वाज। गुड। तो क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है सी। सभी ने सी लगाया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिलते हैं वन एक नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर, ये किताब का नाम है, वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट 1599। बताइए बताइए
सी ठीक, यहां पर अबाउट नहीं आएगा, इन आएगा क्योंकि वो नेम ऑफ सन मतलब सन का नाम, तो अबाउट नहीं आएगा बल्कि आएगा इन। गुड, सभी ने आंसर सही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आई शैल लुक forward, I shall look forward to be with you, sometime next month. बताइए, शहर के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ही है ये दीपक जी, सभी लोग ये कह भी रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ही कह रहे हैं, तो फिर क्या समझ में नहीं आई बात। चलिए मैं बता देता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है लुक फॉरवर्ड टू, आईएनजी तो लगता है, आईएनजी लगता है तो टू तो आईएनजी के साथ आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन भी आईएनजी का फॉर्म, लेकिन लुक फॉरवर्ड नहीं कहते हैं। क्या बोलेंगे जब आप फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस में होते हो, किसी को फ्यूचरिस्टिक बात बताते हो, तो आई शैल लुक फॉरवर्ड स्ट्रक्चर में यूज ही नहीं होता, इसका स्ट्रक्चर होता आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसको आईएनजी में लिखना चाहिए, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, जैसे आईएनजी में आप मीन के गलत नहीं है, आप इसको हटा दिए मीटिंग कर लो, उसी को लिखने नहीं है, स्ट्रक्चर से कह रहा हूं मैं लुकिंग फॉरवर्ड टू या लुक फॉरवर्ड टू, लेकिन यहां पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड ये फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस है, आई एम, आई शैल लुक फॉरवर्ड नहीं है, मैं आगे नहीं देख रहा हूं, आगे मिलना चाहता हूं, फीलिंग्स है, इच्छा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये लुकिंग फॉरवर्ड जो है ना, ये स्ट्रक्चर है इंग्लिश का, इसे मत बिगाड़िएगा, इसको ध्यान रखिएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो टू के साथ तो आईएनजी है, लुक फॉरवर्ड जनरली यूज ना करते हैं हम, लोग लुकिंग फॉरवर्ड, और यहाँ पे आई शैल लुक फॉरवर्ड नहीं होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर है वो ए ही है, काफी सारे लोगों ने सही लगाया था, फिर बाद में कुछ कंफ्यूजन हुआ, लोगों ने डिस्क्रिप्शन भी दिया मगर वो भी डिस्क्रिप्शन काम का नहीं निकला, इसके स्ट्रक्चर को जरूर याद कर लीजिए।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Get Olympic already. Gate already open. One एक ही जगह पर एन होगा, बिल्कुल सही है, सही बोला आप लोगों ने, एक ही जगह पर एन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी टेक्नीशियन को बुला के इसको ठीक करवा दूंगा, आज आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ 5,000 each to those who injured in the fire accident. A, B, C, D, E. बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे ना तो आंसर आपको मिल जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा।
बताइए। इन नहीं होगा, चलिए तो मैं आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है सी। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सी। देखिए, सरकार ने ग्रांट किया रिलीफ पेमेंट, सरकार कह रही है रिलीफ पेमेंट देंगे कितने का, 5,000 सभी लोगों को देंगे। जो लोग इंजर्ड हुए हैं, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, लोगों ने इंजर्ड नहीं किया, दोज हू वर इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट, जो लोग इंजर्ड हुए, यहां पे लोग दोज हू वर इंजर्ड, एक्टिव वॉइस पे काम हो रहा था सेंटेंस में, हमें पैसिव वॉइस की जरूरत है क्योंकि लोग इंजर्ड हुए, इसलिए यहां पे वर इंजर्ड होगा। क्या होगा? वर इंजर्ड होगा। एक मिनट और रुकिए, शायद मैं कुछ देखता हूँ, शायद आवाज ठीक हो जाए, एक सेकंड और रुकेंगे। वैसे आंसर मैंने क्लियर कर दिया है, अभी आवाज आ रही है क्या? ठीक, आज ना जाने क्या प्रॉब्लम है। लग रहा है आज कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक काम करते हैं, आज 10 क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है? आज 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि सुनाई नहीं पड़ेगा अच्छे से, तो आप नहीं कर पाएंगे, आपका मन नहीं लगेगा। हम 10 क्वेश्चन ही करते हैं आज, डोंट वरी। आज 10 में से 10 तो लेके आइए, लेट्स सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। By May next year, by May next year, I have been working in this college for 20 years. बताइए कौन सा आंसर सही है।
ओके बाय वे नेक्स्ट ईयर अगले साल मई तक मैं को इस कॉलेज में काम करते हुए 20 वर्ष हो चुके होंगे समझिए बाय में नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर तक मुझे इस कॉलेज में काम करते हुए 20 वर्ष हो चुके होंगे आई विल हैव बीन ये फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस है आप इसको पकड़ नहीं पाए ये फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस है ये फ्यूचरिस्टिक सेंटेंस आंसर क्या होगा बी आंसर इज बी बाय में नेक्स्ट ईयर यानी अगले अगले महीने मई में आते आते जब वो समय खत्म होगा मई का तब तक मुझे 20 साल हो जाएंगे इस कॉलेज में काम करते हुए भी हुए थोड़ी ना हो जाएंगे ठीक है आंसर है विल फ्यूचर Everyone of us should. Everyone of us should realize that. Any act of negligence will cause a great harm to our great harm to our country's security. बताइए चलिए कौन सा प्रॉब्लम हाँ फाइनल आंसर एवरीवन ऑफ अस शुड रियलाइज हम सबको रियलाइज करना चाहिए दैट any act of negligence कि हमारा कोई भी ऐसा act जो negligence है will cause a great harm जिसकी वजह से great harm होगा to the country A B C D E मैं ये जानना चाहता हूँ जो भी लोगों ने C लगाया वो क्या सोच कर लगाया C क्या सोच कर लगाया
इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्यों? अगर हम कोई भी ऐसा नेग्लिजेंट करेंगे तो ये कंट्री की सिक्योरिटी के लिए नुकसानदायक होगा। बिल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शेल भी लगा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल शेल का रूल ज्यादा यहाँ पे फिक्स नहीं होगा। बिल और शेल, आप शेल भी लगाओगे तो भी हमें मीनिंग मिल जा रहा है, यहाँ पे बिल लगाएंगे तो भी मीनिंग मिल जाएगा। गुड क्यों? देखो हाँ, अब आई बात समझ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है सी होगा क्या? मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को चेंज कर देते हैं। आंसर जो है वो नो एरर ही है। इट इज नो एरर। व्हाट इज द आंसर? मस्ट। क्यों नहीं? मस्ट लगा दीजिए पर उससे कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। मस्ट लगाने से भी हमें मीनिंग ही मिल रहा है, विल शेयर लगाने से भी मीनिंग ही मिल रहा है, तो उसको चेंज करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। देयर इज नो यूज डूइंग दैट। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन पे। आज हम 10 ही क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि साउंड प्रॉब्लम हो रही है। मुझे पता है कि आप, मैंने भी अपने मोबाइल पर उसको सुनने की कोशिश की, काफी इको है आवाज में, माइक जो है प्रॉपर्ली उसको पकड़ नहीं रहा है, इसीलिए। शी always fed her, she always fed her children before she fed her dogs. No error. बताइए चलिए, तो आंसर हमें मिल गया। She always fed her childrens, नहीं होगा children होगा, child एक बच्चा होता है और children बच्चे मतलब plural के लिए होते हैं, ये singular के लिए होता है, ये singular होता है, ये plural होता है। That is the thing, childrens नहीं होगा, children होगा। Answer is B. गुड, और भैया देखो बन गया तो इजी, नहीं बना तो कठिन, और कुछ भी नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट, मेक नेक्स्ट एंड द लास्ट, मेक व्हाट यू राइट
एंड सेम हो एंड सेम हो ऑब्जर्व एंड एनग्रॉसिंग बताइए सी कह रहे हैं कुछ लोग ए मैं ए बी सी डी लिख दूंगा ना ए बी सी डी अब चलिए तो फाइनल आंसर आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का है सी मेक व्हाट यू राइट जो चाहे आप लिखें एंड सेम और जो भी एब्जॉर्ब एंड एनग्रॉसिंग अब प्रॉब्लम क्या है एंड के पहले मैंने ईडी का फॉर्म लिखा है और एंड के बाद आईएनजी का फॉर्म लिखा हुआ है रूल कहता है एंड के पहले एंड के बाद जो भी एडजेक्टिव या वर्ब की फॉर्म होती है वो एक ही जैसी होती है अलग अलग नहीं होनी चाहिए तो एब्जॉर्ब एंड एनग्रॉस्ड कर दीजिए या एब्जॉर्बिंग एंड एनग्रॉसिंग कर लीजिए या तो दोनों की ईडी ईडी फॉर्म कर लीजिए या दोनों की आईएनजी आईएनजी फॉर्म कर दीजिए दोनों एक जैसे ही होने चाहिए तो एनग्रॉस्ड एंड एब्जॉर्ब या एनग्रॉसिंग एंड एब्सॉर्बिंग इनमें से कोई एक चीज आप कर दीजिए आंसर आपका सही आ जाएगा आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया और जितने भी लोगों ने बेटा सी लगाया वो सबको एक नंबर मिल जाएगा और कुछ लोगों ने ए भी लगा दिया या कुछ जो भी लगाया या गलत लगा दिया वो अपने एक नंबर माइनस कर ले और आज हमने क्योंकि आज साउंड की थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आज 10 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ क्योंकि सुनने में प्रॉब्लम होगी जरूर कहीं ना कहीं आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ एप्रिशिएबल आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं मतलब सब्सक्राइब भी अच्छे से नहीं आ रहा तो भी आप मेरे वीडियो को क्लास को पढ़ रहे हैं ये डेडिकेशन दिखाता है आप लोग वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स और मेरे पास है ये मुझे इस बात की बहुत खुशी है लेकिन आज हम क्लास इसीलिए इसको कम कर रहे हैं अब मुझे बताइए आपके 10 में से कितने नंबर आए आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स हैं कितने लोगों के लेट्स सी 10 आउट ऑफ 10 चलिए बताइए 10 में से 6 ओके 10 में से 6 6 नरेंद्र महेंद्र 7 श्वेता 7 वेरी गुड लगता है टॉपर हमारे यही है 10 7 7 मुस्कान अच्छा मुस्कान ने 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वेरी गुड आकांक्षा 7 गुड महेंद्र श्वेता आकांक्षा आज हमारे टॉपर यही है महेंद्र बाहुबली श्वेता एंड आकांक्षा एंड संदीप वेरी गुड बहुत बढ़िया संदीप जी वेरी गुड पंकज And where is Nitesh? Nitesh के एक नंबर कम हो गए Nitesh. Okay, no issues, no issues. चलिए anyways,
बाकी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों के मार्क्स। चलिए तो वेरी गुड, चलो आज की क्लास को अपन यही कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं, और ठीक है चलिए तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। मेरे सभी टॉपर्स महेंद्र, श्वेता, कांशा, संदीप, पंकज, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आप लोगों का, 7 हालांकि 7 से ऊपर जाने चाहिए थे मार्क्स, एटलीस्ट 8 तक तो आई जाते, पर ठीक है, नो इश्यूज, इतना कोई वो नहीं है, मेहनत और रोज करेंगे। चलिए तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल का। मैं आपको टाइम कंफर्म करूंगा ग्रुप में कि कल अगर मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैं 11:30 बजे से क्लास दूंगा, एंड आई विल कंफर्म यू इन द ग्रुप। मैं ग्रुप में आपको कभी कल ही कंफर्म कर दूंगा कि कल हम क्लास लेंगे या नहीं लेंगे, नहीं तो परसों तो हमारी क्लास होनी ही होनी है। ठीक है, चलिए, टेक केयर एवरीबॉडी, और होगा तो कल 11 बजे हम करेंगे प्रॉब्लम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लासेस। ठीक, चलिए, टेक केयर एवरीबॉडी एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द टॉपर्स। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।